है प्रसन्न हमारा। बेटा सरवण जल्दी जाना,
जी पिताजी माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, आयुष्मान रो बेटा। ज्ञानवती तुम चिंता न करो, श्रवण आता ही होगा। ज्ञानवती मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। आप अकेले कहाँ जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान रहो बेटा, आयुष्मान रहो पुत्र। बेटा श्रवण, आज तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी, हम तुम्हें ढूंढने ही निकले थे। माताजी, मैं अगर थोड़ी देर तक नहीं आता तो आप लोग बहुत चिंतित हो जाते हो। बेटा सरवर। हाँ माताजी। तुम जुग जुग जियो मेरे लाल। सरवर, तुम अपनी इस अंधी माँ का कुछ ख्याल कर लिया करो, थोड़ी देर हो जाती है तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है। अच्छा माताजी, मुझे माफ कर देना, आगे से मैं कभी इतनी देर नहीं लगाऊंगा। आज बंद मूल फल ढूंढते ढूंढते समय का पता ही नहीं चला। बेटा सरवण, हम भूखे ही रह लेंगे बेटा, लेकिन तुम समय से आ जाया करो बेटा। बेटे हम अंधे हो लाचार, तुम्हें कुछ हो गया तो बेटा सरवर हम कहाँ जाएंगे बेटा। बेटा सरवर, हम बहुत खुश नसीब हैं, हमें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। बेटा सरवर, बेटा जब तक चांद सूरज रहेगा तेरा नाम पितृ भक्त के रूप में रोशन रहेगा। पिताजी आपने तो मुझे बहुत ही बड़ी पदवी दे दी है, मैं तो धूल हूं धूल आपके चरणों की। इंसान तो सात जन्म लेकर भी
माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकता। बेटा सरवर, तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी है, अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि हम अपने प्यारे श्रवण को देख पाते। आप चिंता न करें माता जी, मैं ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से आपकी यह इच्छा भी अवश्य पूर्ण करूंगा। माता जी, पिताजी, अब समय अधिक हो गया है, अब आप आराम कीजिए। हाँ बेटा सरवण, अब समय काफी हो गया बेटा।